हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा IQ Z9X 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन की रैम वगैरह को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और फ़ोन की रैम कैसे बढ़ा सकते हैं अपने IQ Z9X 5G फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि फ़ोन की रैम वगैरह कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और बढ़ा पाएंगे। तो सिंपली देखते हैं कि रैम ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से फ़ोन की रैम देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आइकन शो हो रहे हैं जिसमें स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही अपने फ़ोन में अपने फ़ोन की रैम को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कर पाएंगे अपने फ़ोन में, जिसका यूज़ कर सकते हैं, रैम को बढ़ा भी सकते हैं। और इस तरह आपको स्वाइप करना है, इस पर जाएंगे रैम को शो करना चाहते हैं तो सिंपली स्लाइड करते हुए आपको अबाउट फ़ोन पे जाना है। अबाउट फ़ोन पे जाकर इस पर क्लिक कर दें तो रैम आपके फ़ोन पे शो होती है और आप देख सकते हैं जिसमें से आपके पास ऑप्शन आता है। नहीं तो आप यहाँ से रैम एंड स्टोरेज सेटिंग्स पे जाकर भी रैम को शो कर सकते हैं और आप देख पाएंगे जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने फ़ोन की रैम को आप देख पाएंगे एंड आप शो कर सकते हैं अपने फ़ोन में, जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियोज़ को शेयर करें।